हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं दे रहा हूँ आपके सवालात के जवाब। बहुत सारे सवाल हमें आते हैं, उनमें से जैसे मैंने पहले कहा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, या वो ऐसे को बहुत इम्पॉर्टेंट या करंट सिनारियो के ऊपर चल रहे होते हैं, उनके ऊपर हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो सवालात का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले सेथ विकास वर्ल्ड व्लॉगर ने सवाल किया, फॉर करंट पॉइंट्स ऑफ 17189 और 75 in 190 और 85 in 491, इज देयर एनी चांस टू रिसीव ऑस्ट्रेलियन वीजा फॉर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर? कैन यू मेक द सेम वीडियो इन इंग्लिश प्लीज? वेल डेफिनेटली आई विल आंसर इन इंग्लिश। वेल टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंजीनियर, इट्स वेरी हार्ड टू गेट इन्विटेशन एट दिस पॉइंट्स or for electronic engineers as well, especially when you're offshore or even you are onshore. I will suggest you to get your assessment as an engineering professional NEC. You have better chances in that. And another thing, if you try to get assessment or second assessment, your previous assessment will remain intact in case of refusal, or if you get assessment, second assessment, your both assessment will be current, so you can apply as an engineering professional NEC as well. So hope I answer your question. Next question hai ji, Zebby Wolverine. Hello bhai, catch love from Pakistan, your home country. Bhai, I couldn't understand your answer regarding entering in Perth via Melbourne or Sydney. What if someone is student of Perth University and goes to Sydney or Melbourne? I mean, what happens next? How to get entry in Perth? What is G2G pass? Will Perth allow us to enter if we complete quarantine and get G2G pass? If Perth does not allow us to enter even after completing quarantine, then can we declare illegal students living in Melbourne or Sydney? Or क्या मेल क्वारंटीन फ्रेंड के घर कर सकते हैं या होटल क्वारंटीन करना होगा? और क्या सिडनी और मेलबर्न रहते हुए काम कर सकते हैं? थोड़ा लंबा सवाल हो गया है, माजरत, बट वुड लव टू हियर योर आंसर ऑन दिस, थैंक्स इन एडवांस। अच्छा ज़ेबी, आपका नाम चुके ये लिखा हुआ है, इसका ये देखिए, मैंने ये कहा था कि आप अगर लेट्स से पर्थ पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो पर्थ की स्टेट की अपनी पॉलिसी है, ठीक है। अब जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन्होंने अलाउ कर दिए थे, अभी जो कि एक्सटेंशन है 15 दिसंबर तक, बाद में देखिए क्या करते हैं। तो आपने करना ये है कि आपने बेसिकली जो अलाउ हुए हैं, आप सिडनी आ सकते हैं, सिडनी आके क्वारंटीन कर सकते हैं। अभी तो उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन बताया है या कुछ का क्वारंटीन, बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा जब आपने सिडनी से पर्थ की तरफ जाना है तो उसके लिए ऑब्वियसली अभी जो है इजाजत लेनी पड़ती है। अगर वो इजाजत देते हैं ठीक है, नहीं देते तो आप सिडनी या मेलबर्न रह सकते हैं। तीसरा, आप अगर पर्थ में पढ़ रहे हैं और सिडनी और मेलबर्न रह रहे हैं तो आप इलीगल स्टूडेंट डिक्लेयर नहीं होते, इसमें कोई इलीगैलिटी बिल्कुल नहीं है। आप जो कि ऑस्ट्रेलिया में वीजा होल्डर के तौर पर रह रहे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज जो भी है प्रोवाइडर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है स्टडी की ऑप्शन, तो आप सिडनी मेलबर्न रह के भी फर्दर टाइम भी कर सकते हैं, बाद में आप पर्थ में जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात क्वारंटीन की, तो जिस स्टेट में आप आते हैं, जो लॉज वहां के मौजूद हैं, उस हिसाब से आपने रहना होता है। लेट्स से सिडनी या मेलबर्न आप आते हैं तो जो उनके रूल्स हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, उसको फॉलो करना होता है। बाकी जिस मर्जी स्टेट में आप रह रहे हैं, बेशक आप पर्थ में पढ़ रहे हैं, चूंकि आप जा नहीं सकते तो इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, यू वोंट बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल स्टूडेंट एनीवे। अदील अहमद, प्लीज टेल मी व्हेन विल Australia grant pending student visa 500 visas, because I have applied my visa on 1st May 2021 and it's complete 7 months now. Australia website shows processing time 52 days to 7 day months. अच्छा, इसके अंदर क्या है कि 7 महीने हो गए हैं, आप डिपार्टमेंट को एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया हुआ है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि जो 52 डेज टू 7 मंथ्स आपको दिखा रहा है, तो वो इंडिकेटर होता है, प्रोसेसिंग टाइम नहीं होता हरगिज़ भी, वो एक इंडिकेटर है कि इतनी देर के अंदर आपकी एप्लीकेशन, वो कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल डिपार्टमेंट को ईमेल कर सकते हैं इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग। नेक्स्ट है जी मीनाक्षी गुप्ता, हेलो एक्सपायर्ड टीआर ड्यू टू पेंडेमिक वाले क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर तो अभी क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, इसके ऊपर आप जैसे कि पॉलिसी आ गई है कि जिन लोगों की टीआर जो है वो फेब 2020 से ऑनवर्ड जो है हुई हुई है, तो उनका ये है
कि आप बेसिकली अपना एक रिप्लेसमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें और क्लियर पॉलिसीज आनी शुरू हो गई हैं, तो आई थिंक आप तक भी यह खबर पहुंच चुकी होगी। मे बी मेरे पास सवाल लेट आया है या हमने लेट पिक किया है। इसमें रिप्लेसमेंट वीज़ा आ चुका है, नथिंग टू वरी अबाउट। आप सबको इसमें TR जो है 4485 जिनकी एक्सपायर हुई है ऑफशोर में, उनको रिप्लेसमेंट वीज़ा मिलेगा। अब्दुल्ला मंसूरी, डू वी नीड टू फिल ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म बिफोर एंट्रिंग टू ऑस्ट्रेलिया और स्टेट परमिट इज इनफ? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू कैरी थ्रू आउट ट्रैवलिंग? अराइवल डेट 1 December 2021। मुझे लगता है ये मेरे पास ये भी लेट सवाल आया है। अब चूंकि आप 1 December से आ नहीं सकते, लेकिन यस, ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म आपको करना है, हाली स्टेट परमिट नहीं, ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म, चूंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को रेगुलेशन के लिए है। वो PCR टेस्ट आपका आना चाहिए 72 आवर्स के अंदर नेगेटिव, तो ये करना चाहिए। तो आपने ये वेबसाइट के पे देख के रखना है, अभी तो यही है, और उसके अलावा आपकी वैक्सीन जो है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल चाहिए आपको ट्रैवल करने के लिए। सोलंकी सर, हेड्स अप टू यू एंड यू आर मेकिंग ग्रेट वीडियोज एंड गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन टू अस, प्लीज टेल अस मोर अबाउट कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज एंड मेजर इनटेक एंड वीजा टाइमलाइंस। सोलंकी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अच्छा, जो कॉमर्स रिलेटेड है ना, मैं ये कहूँगा कि BBA टाइप या सिर्फ बिजनेस में ना जाएं, उसको एक स्ट्रीम बनाएं। तो स्ट्रीम जो आने वाली है उसमें से, या देखिए, आप बिजनेस एनालिस्ट या सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उठाएं, जिससे होगा क्या कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस और IT है, तो उसमें आपके PR के चांसेस बहुत बेहतर होती हैं। तो कोशिश करें कि हाली लेट्स से कोई MBA पढ़ता है, तो MBA में शायद असेसमेंट भी आपकी कोई नहीं होगी, अकाउंटिंग कर लें, आई नो कि उसके लिए बड़े हाई पॉइंट्स चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक असेसमेंट तो होगी। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कर लें, तो बिल्कुल प्योर वो बिजनेस BBA टाइप चीज में ना जाएं, बेहतर है कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में चले जाएं, अकाउंटिंग में चले जाएं, ऑडिटिंग में चले जाएं, इस तरह के कोर्सेज को उठाएं इंस्टेड ऑफ हाली बिजनेस में। होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, अभी के लिए ये थोड़े से सवाल आते हैं, क्योंकि अगर और सवाल भी लें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपके मोहब्बत का शुक्रिया, आप सवाल पूछते हैं, मज़ीद आप सवाल पूछें, हम क्वेश्चन आंसर सेशन मज़ीद रन करेंगे और इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।